अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आई होप कि सब गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे और ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे होंगे। तो बस जी, यहाँ पे भी मैं वाटरमेलन काट रही हूँ। बस ये इस तरह का ही निकला था, इतना ख़ास भी नहीं था अच्छा, और फिर मैंने कहा इसको वेस्ट थोड़ी करना है तो इसको काट के तो फिर ये खाते हैं मज़े से ठंडा करके। और इसके अलावा ना गर्मी में इस तरह की चीज़ें करें कि बार बार कोई लीमू पानी वगैरह पीते रहें, इसके साथ ही कोई लस्सी वगैरह बना के पी लें, क्योंकि अगर दही की लस्सी भी बना के पिए ना तो उससे भी काफ़ी हद तक जो आपकी गर्मी है ना वो आपको कम लगेगी और उससे ना गर्मी का एहसास कम होगा। तो फिर जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो तो घरों में ही रहती हैं, तो अंदर बाहर कमरों में भी होती रहती हैं, कभी किचन में कभी कमरे में, तो फिर उनको तो चलो थोड़ी बहुत ही गर्मी लगती है। तो ये फिर मर्दों को तो सलाम है जो बाहर गर्मी में फिरते भी रहते हैं और काम भी करना होता है ज़ाहिर है उन्होंने, तो फिर वो ज़ाहिर है इस तरह रहते हैं। और इस तरह के रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स बना के पिए तो फिर उससे आपको गर्मी का एहसास जो है वो कम होगा। और आजकल तो बड़ा ही अच्छा ये फल अल्लाह ताला ने गर्मियों का दिया हुआ है, वाटरमेलन तरबूज, और ये खाया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं। तो इसको काफ़ी खूब सारा ठंडा करके तो फ्रिज में रख के तो फिर इसको मज़ा आता है खाना खाने का। तो चलें जी, गर्म ठंडी चीज़ के साथ साथ अब एक गर्म चीज़ का भी मज़ा लें। और यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बोंग बनाने की रेसिपी, जो लाहौरी बोंग होती है उसको किस तरह से बनाते हैं और आमतौर पे लोग उसको कैसे बनाते हैं। तो हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, हम इस तरीके से बनाते हैं हम। और ये थोड़ी सी ना फ्रीज़र में पड़ी हुई थी तो काफ़ी अर्से से हम इसको बनाना चाह रहे थे तो बस बन ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे फिर हमने कहा कि वीकेंड है तो फिर हम नाश्ते में आज ये ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बोंग और ये रात का टाइम है और यहाँ पे हम सिलेंडर पे बना रहे हैं। और सिंपल मैंने पहले मसाला बनाऊँगी, प्याज और लहसुन वगैरह अदरक वगैरह मैंने डाला। और पहले हम इसमें टमाटर यूज़ नहीं करते लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए। और इसका अच्छा सा मसाला बनाकर तो जो बोंग के पीसीज होते हैं वो कुछ उसमें नलियाँ होती हैं, नली वाली हड्डी जैसे होती है, और कुछ उसमें गोश्त के पीसीज होते हैं ना जैसे ये है, और मेरे हस्बैंड बनाते होते हैं आमतौर पे ये। तो इस दफ़ा मैं साथ लगी हुई थी तो मैं ट्राई कर रही थी इसको, और ये जैसे बड़ा पीस है ना तो इसको ना ये फिर इसको हम भूनते हैं अच्छी तरह, पहले एक एक पीस को करके ना, तो इसको हम मसाले में भूनेंगे। और हमने इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसके अपना ही इसका बहुत ज़्यादा ऑयल निकल आता है और भूनते भूनते भी ना इसमें आ जाता है। आपने इतना ज़्यादा भी नहीं भूनना, बस थोड़ा बहुत इसको भुनाई इसकी करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हमने गर्म मसाला भी ऐड किया था भुनाई करते वक्त ना, जैसे एक एक पीस हो रहा है ना तो हम इसको निकाल रहे हैं एक पीस करके, अगर बड़ा पीस है तो उसको ऐसे ना, अब जैसे ये है इतना बड़ा पीस है तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे दोनों साइडों से, और फिर इसमें खुला पानी डाल के ना तो फिर इसको ओवरनाइट के लिए पकने के लिए रख देना। शुरू में आपने ज़रा चूल्हा तेज़ रखना है ताकि इसमें ना उबाल अच्छी तरह से आ जाए। जब एक दफ़ा बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आपने इसकी आँच बिल्कुल स्लो कर देनी है और ये सारी रात ये पकता रहेगा। बीच बीच में आप हमने तो अलार्म सेट किया हुआ था तो हम चेक कर रहे थे उठ उठ के, तो फिर क्योंकि सिलेंडर पे रखा हुआ था और रात के टाइम तो गैस भी नहीं होती तो इसलिए फिर चेक भी कर रहे थे, चेक करते रहना है आपने कि कोई ऐसे पानी मतलब बाहर को ना आ रहा हो उबल के, क्योंकि फुल इसका ना हमने वो पतीली को ना फुल पानी से भर देना होता है, क्योंकि पक पक के ना वो जितना फिर हमें रिक्वायर्ड शोरबा होता है फिर हम उतना रख लेंगे। तो अब हमारे हिसाब से अब ये हो गया था सेट और भून लिया था हमने इसको। ये हड्डियाँ भी होती हैं और हड्डियों की जैसे अंदर से मिख वगैरह निकलती है और साथ गोश्त के पीसीज होते हैं, तो ये ना एक लाहौरी बड़ा अच्छा सा नाश्ता मिलता है जैसे नासिर बोंग पाए और इस तरह से ना। तो एक और भी जगह है ग्वाल मंडी में, तो मेरे हस्बैंड को पता है वो बड़े शौक़ से वहाँ से खाते होते थे, तो फिर उन्होंने रेसिपी ऐसे ही देखी किसी की और फिर उनकी ही बताई हुई रेसिपी से फिर हम बनाते हैं आगे।
तो फिर ऐसे ना ये बड़ा ही इसका अच्छा डिलीशियस सा टेस्ट लगता है। अब ये आप समझें कि सारी रात ये पका है, इसको पक पक के ना ये सुबह 12 बजे का टाइम है अगले दिन का, तो ये हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये ऑयल देखें कैसे इस पे आ गया है ना। तो एनीवेज हम ये ऑयल हम खाते नहीं हैं, तो इसको ज़रा ये ठंडा बहुत जल्दी होता है, तो अब इसको ना करें ना वो थोड़ी देर के लिए रखें, तो ऐसे ना जम जाता है ऊपर घी, तो आप अपनी मर्ज़ी है उतार दें उसको घी को। तो ऐसे इसके बड़े बड़े से पीसेस होते हैं और इसका लाइट से इसके मसाले होते हैं, बस हम इसमें लाल मिर्च वगैरह तेज़ नहीं डालते, काली मिर्च जो है ना वही हम तेज़ होती है। और जैसे ये रोस्ट टाइप नहीं होता, जैसे यखनी और उस टाइप का ये होता है, ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, हमारे घर में सबको पसंद है। तो ये थी हमारी जिबोंग की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो ये लाहौरी बोंग थी। तो इसके बाद जी मैंने आज जैनब की फरमाइश पे बनाए मैंने मैकरोनी, और बच्चों को ना बस डेली पूछे ना कि आज क्या खाना बनाएं, आज क्या खाना बनाएं, तो वो यही कहते हैं कि आज पास्ता बना लें, ये बना लें, स्पेगेटी बना लें, इसके अलावा मैकरोनीज बना लें। और इनको बस इतनी ख़ास कोई ना वेजिटेबल्स पसंद है, ना गोश्त, ना कुछ दालें शालें इतनी, तो समझ ही नहीं आती। तो फिर मैंने आज दो चीज़ें बनानी थी, और माश की दाल भी बनानी थी और बच्चों के लिए मैकरोनीज़ बनानी थी। और फिर चिकन को ज़ैनब ने मुझे थोड़ी वेजिटेबल्स की कटिंग भी करके दी, ज़ैनब मेरी बड़ी बेटी है तो उसने फिर मुझे वेजिटेबल्स की कटिंग करके दी, ये चिकन वगैरह ये सारा कट करके दिया। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और जी इसमें फिर मैंने डाला नमक और काली मिर्चें थोड़ी सी, अपने हिसाब से आप डाल लें। और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे, और इसमें सबसे पहले मैं गाजर ऐड करूँगी क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती है और फिर थोड़ी सी उसको ज़्यादा टाइम लगता है गलने में, तो फिर वो थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं, अगर आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने बस नॉर्मल सी डाली थी, तो इतनी ज़्यादा नहीं कि बस अच्छी लगती हैं, इतनी इतनी ही अच्छी लगती हैं कलरफुल सी ना। तो थोड़ी देर से गाजर को ऐसे भून के चिकन के साथ, और इसके साथ ही हम इसमें शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे, और मैंने सिर्फ इसमें दो शिमला मिर्चें डाली थी। और इसमें अब मुझे स्पाइसेस जैसे जैसे कम लग रहे हैं तो मैं इसमें और ऐड करती जाऊंगी। और इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए ना इसमें चिली फ्लेक्स मैं यूज़ करूँगी, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें और डाल दी थी। तो इसके अलावा जो मैंने मैकरोनीस बॉयल की थी ना उसमें मैंने नमक भी ऐड किया था, इसलिए मैं यहाँ पर नमक नहीं ज़्यादा डाल रही, तो वो बाद में मैं टेस्ट करके तो फिर मैं उसके हिसाब से ना डाल लूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें शिमला मिर्चें भी ऐड कर दी, और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इन वेजिटेबल दूसरी वेजिटेबल्स के साथ। और साथ ही फिर मैं इसमें बंद गोभी भी डाल दूँगी, और वो भी मैंने एक छोटा सा फूल था वो लिया था। और इसमें सॉसेस जाएंगी साथ, चिली सॉस और सोया सॉस, और विनीगर मैं इसमें यूज़ नहीं करती, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर भी सकते हैं। तो इसके अलावा बस ये सोया सॉस और मैं चिली सॉस ही डालती हूँ। तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी, आप लाल मिर्चें अगर आप पसंद करते हैं ज़्यादा स्पाइसी तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था, बस मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, वो अच्छी लगती हैं ज़रा, उसे लुक अच्छी सी आती है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें बंद को भी सारी ऐड कर दूंगी, और उसको भी थोड़ा सा फ्राई करके, और जैसे ही मुझे लगे कि पानी सारा ड्राई हो गया है तो इसमें मैं डाल दूंगी अब मैकरोनीज़ ऐड कर दूंगी। और सिंपल है इसको बनाना, बड़ा ही आसान है, बस चीज़ों की कटिंग होनी चाहिए पहले से, अगर आपने की हो तो फिर इसको तो बनाना बड़ा ही आसान है। पहले बड़ा मुश्किल लगता होता था कि सब चीज़ों को कट करें और ऐसे करें पकाएं, और तो अब तो नॉर्मल लगता है, अगर बस इसकी कटिंग चाइनीज़ की ये होती है कि बैठ के कटिंग कर लें, पहले सारा काम कर लें और फिर इजीली आप कुक कर सकती हैं। तो इसको भी मैंने पका लिया है अच्छी तरह। अब इसमें ये जो मैकरोनीज़ को मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ है बॉयल करके, तो अब इसमें मैं वो ऐड कर दूँगी। और यही एल्बो शेप की मैकरोनी अच्छी लगती है मैकरोनीज़ में, और ये इसको इतना वो ख़ास भी नहीं होता। आपने बिल्कुल भी ना इसको ज़्यादा नहीं पका लेना होता, मैकरोनीज़ को ज़्यादा नहीं बॉयल करना होता, क्योंकि फिर इसमें भी ये वेजिटेबल्स में भी कुक होती है ना, फिर ये टूटने का भी इसका डर होता है कि अंदर खुल ही ना जाए। तो बस थोड़ा थोड़ी सी हल्की सी कसर रखें, तो वो बाद में दम पे लगाएं ना तो वो सेट हो जाता है काम।
तो बस जी अब इसको 5-10 मिनट दम करेंगे हम, दम लगाएंगे और ये हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनीज रेडी हैं और मेरे बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट हैं। और ज़ैनब आ गई थी, कहती मामा मुझे टेस्ट कराएं, तो फिर मैंने 5-10 मिनट इसको दम लगाया कि वेजिटेबल्स वगैरह सारी हर चीज़ मसाले मिक्स हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। तो मैंने नमक वगैरह भी चेक कर लिया था, स्टेज पे थोड़ा सा कम लग रहा था वो मैंने ऐड कर दिया था। तो अब बच्चों का खाना तो मैंने बना लिया, अब मैं बनाऊंगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए माश की दाल, और उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करके। तो ये माश की दाल में थोड़ा बादीपन होता है, इसलिए इसमें मैं अदरक काफ़ी सारा यूज़ कर रही हूँ। तो प्याज़ों को लाइट ब्राउन सा करके, तो इसमें अदरक और लहसुन मैंने डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इतनी भी अच्छी तरह से नहीं भून लेंगे कि उसकी खुशबू ही ख़त्म हो जाए, बस थोड़ा सा इसको सौते कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, और सब्ज़ मिर्चें, मसाला अच्छी तरह से बना लेंगे। आप हांडी का मसाला आप जितना अच्छा बनाएंगे ना, उतनी ही आपकी हांडी अच्छी बनेगी। तो ये वैसे दालों और उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कैसी है, क्योंकि कई चीज़ों को ना बड़ी अच्छी तरह से भी पकाएं तो वो ना फिर बाद में भी इतनी अच्छी नहीं बनती, जायका नहीं इतना अच्छा आता। तो बस जी मैंने डाल दिया है टमाटर इसमें, और टमाटरों को मैं सॉफ्ट करूँगी, ज़रा इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह सारे डाल रही हूँ, नमक मिर्चें हल्दी और यही थोड़ा गरम मसाला, बस इस तरह की चीज़ें ही इसमें यूज़ होंगी। और ये मैं चिकन डाल के थोड़ी सी माश की दाल बनाऊँगी। तो वैसे मैं तो सिंपल बिल्कुल बनाती होती हूँ पहले ना, तो मुझे थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था फ्रीज़र में मैक्रोनीज के लिए रखा हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा कि दाल में भी थोड़ा ऐड कर लेती हूँ। मेरी अम्मी बनाती होती हैं चिकन माश की दाल ना, चिकन में तो बड़ी अच्छी बनती होती है। तो फिर मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो अब ना मैं साथ ही, अभी मसाला इतना बना नहीं था अच्छी तरह, तो मैंने कहा कि चिकन को भी साथ ही डाल देती हूँ और इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह से। और माश की दाल को अगर आपने पहले से बॉयल किया हो ना, तो वो बड़ा अच्छा रहता है, मतलब इजी हो जाता है काम सारा ना। तो मैंने बॉयल नहीं किया था, अब चिकन को थोड़ा सा मैंने भून के, तो अब इसमें मैंने दाल ऐड कर देनी है और दाल को भी डालकर मैं भूनूंगी। ये मैंने बॉयल नहीं किया हुआ इस दाल को, ये ऐसे ही मैंने बस पानी में सोख करके रखा था। तो अब दाल डाल के भी ना मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह। भुनाई पे भी बहुत डिपेंड करता है, आप जितना अच्छा किसी चीज़ को भूनेंगे ना, तो उतना ही अच्छा उसका टेस्ट बनेगा। तो फिर ये जल्दी ज़रा मुझे चाहिए था, फिर मैंने कुकर में डाल के, तो फिर मैंने इसको दाल को बॉईल किया था, और अब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए फटाफट से रोटी बनाई और बच्चों को भी खाना दिया, सब आ गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।